भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच अक्सर तुलना देखी जाती है कि कौन सा बल्लेबाज सबसे बेहतर है और किसके रिकॉर्ड सबसे बेहतर हैं। लेकिन क्या आपके मन में भी इन दोनों दिग्गजों को एक साथ एक ही टीम में खेलता देखने की इच्छा जागी है? अगर हाँ, तो आपको बता दें कि आने वाले समय में ये दोनों दिग्गज जल्द ही एक ही टीम के लिए खेलते दिखाई दे सकते हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है, चलिए जानते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC एफ्रो एशियन कप को दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहा है। ये टूर्नामेंट 2005 और 2007 में खेला जा चुका है। ACC अगले साल T20 फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट को शुरू करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान के ये दोनों दिग्गज एक साथ एशिया 11 के लिए खेलते दिखाई दे सकते हैं। 2012-13 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। दोनों टीमें बस ICC इवेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। सूत्रों की माने तो BCCI के सचिव जय शाह, अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन सुमत दामोदर और ACC चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी महिंदा विल्लुपुरम से बात चल रही है, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये सीरीज साल 2023 तक देखने को मिलेगी, जिसमें ये दोनों दिग्गज एक ही टीम से खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।